मैं मीनू आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आपको आज मैं इंस्टेंट मावा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी बनने वाला है फ्रेंड। इसे बना करके आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी स्वीट्स इससे आप बना सकते हैं। आप कैसे भी मावा को कहीं भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक बताइए मावा कैसा बना। इंस्टेंट मावा बनाने के लिए हमने एक बाउल मिल्क पाउडर लिया है, एक बाउल हमने दूध लिया है, ये नॉर्मल दूध है, और ये हमने 3 बड़े चम्मच बटर लिया है। इधर पैन गरम होने रख दिया है, इसमें बटर को डालकर मेल्ट करेंगे। इसमें अभी ही दूध डाल दूंगी ताकि दूध के साथ ये बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब ये पूरा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। इस मावा से आप कोई भी स्वीट्स बनाइए, बहुत ही अच्छा बनेगा। ये बटर मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, सारा प्रोसेसिंग मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये नीचे चिपक जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना पड़े। बटर फ्रेंड आप कोई भी यूज कर सकते हैं, साल्टेड या अनसाल्टेड कोई भी बटर आप यूज कीजिए। मावा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे कुल्फी में भी डाल सकते हैं या अपने मन पसंद कोई भी स्वीट्स में आप डालिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। इस तरह से इसे मिक्स करते हुए पूरी तरह से हम सुखा लेंगे मावा की तरह, बहुत ही टेस्टी बन जाएगा ये। इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। इसे बनाकर आप 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। आपको जब लगे आप स्वीट्स, कुल्फी या और भी कुछ में डालिए और यूज कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से आप कंटिन्यू चलाते रहिए, नीचे चिपकना नहीं चाहिए, अगर चिपक गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बहुत आराम से जल्दी तैयार होने वाला है मावा। इस तरह से साइड से निकालते रहिए जो चिपक रहा है उसे। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा लगेगा, आप जरूर ट्राई कीजिए इसे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके सुखा लेंगे। पूरी तरह से सुखाना है फ्रेंड। मावा बिल्कुल रेडी हो गया फ्रेंड। अब गैस को हम बंद कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया, देखिए मावा बनके तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा बना है, एकदम क्रीमी सा। गैस बंद करके और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा मावा बनके तैयार हो गया। आप जरूर ट्राई कीजिए और बनाइए, बहुत ही अच्छा मावा बना है फ्रेंड। इसे बना करके आप फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए रखिए और जो स्वीट्स बनाना चाहते हैं आप उसमें बनाइए, बहुत ही टेस्टी और बहुत इजी बनने वाला है ये।